देश दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले का आगाज 14 जनवरी से हो जाएगा। प्रयागराज संगम क्षेत्र में लगने वाले, 1.5 माह तक लगने वाले इस माघ मेले की तैयारी लगभग अंतिम चरण पर है। मेले में संतों का आगमन शुरू हो गया है और सभी के शिविर बनने का कार्य भी प्रारंभ है। मेला क्षेत्र में आने वाले दूर दराज से श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। अगर हम बात करें श्रद्धालुओं को, तो इस बार उन्हें संगम में सैर सपाटा करने के लिए लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि मेला प्रशासन ने नाविकों को निर्देशित किया है कि बिना भी लाइफ जैकेट के किसी को भी नाव में ना बैठाएं। अगर ऐसे कोई भी नाविक मिलता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए यह नियम लगाया गया है। माघ मेला सकुशल संपन्न हो, किसी भी तरीके से कोई घटना न घटे, इसके लिए मेला प्रशासन लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु को कहना है कि मेला प्रशासन द्वारा व्यवस्था अच्छी है, नाविक अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं और नाविक के पास लाइफ जैकेट होने से सुरक्षा की अनुभूति महसूस हो रही है। वहीं दूसरी ओर नाविकों का कहना है कि लाइफ जैकेट की कमी होने की वजह से बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो नाव में सैर नहीं कर पाते हैं और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। हमारी मांग है कि मेला प्रशासन सभी नाविकों को कम से कम 10 लाइफ जैकेट मुहैया कराए, प्रदान कराए, जिससे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु मेले के साथ साथ संगम का में भी नौकायान और सैर करने का आनंद उठा सके। हम लोग को 5 लाख की मिला था प्रशासन तरफ से, प्रशासन तरफ से 5 लाख मिला था। 5 लाख हम लोग खरीदे थे, अब कई कई साल हो गया है, उसमें कुछ बारिश से गल गया है, कुछ बेकार हो गया है, थोड़े बहुत लाभ जाकर मिलता है। प्रशासन तरफ से बोलते हैं कि मिलेगा और मिलता नहीं। लोग गरीब आदमी रोज खाने कमाने वाले, अगर 3 लाख जैकेट है तो 3 ही बैठाते हैं, बाकी लोग कापस कर देते। 5 लोग आते हैं तो हम लोग लौटा देते हैं। कैसे चलता है ये हमें लोग जानते हैं कैसे चलता है। कोरोना भी है, उनमें लोग आ भी नहीं रहे, जो आ भी रहे हैं 4-5 आदमी, लाइफ जैकेट नहीं है, हम लोग इतना शक्ति नहीं है खरीदने का। हमारा मांग ये है कि हमको लोग को कुछ लाइफ जैकेट मिलना चाहिए, या जो हमारा पुराना सुराना फट उड़ गया उसको भी बदल के दूसरा हमको दे दे, इतना भी तक हो जाए। भागीरथ निषाद चाह साहब, भाई साहब लाइफ जैकेट हमने अपने पैसा खरीदा था, सरकार ने मुझे नहीं दिया था। हाँ, अब जो है वही लाभ जाकर लेकर के सवारी को पहला के चलाते हैं। अब ऐसे जो मिलता साहब 100-200 उसी में घर चल रहा है। 8 जैकेट हमारे पास हैं, 8 जैकेट है, आदमी ज़्यादा हो जाता ले जाते हैं बस। जैकेट को बैठाते कि नहीं बिना लाइफ जैकेट के? नहीं बैठाते साहब, इधर से उधर से मांग जाँच के ले जाते हैं, इधर इनसे ये नाव वाले इनसे मांग लिया, वो नाव वाला नाव बंधी है तो उससे मांग लिया, जो हमारे पास है जो घट रही है है तो पूरा पहला गए, नहीं तो घट रही मांग लिया किसी इधर वाले से घर कर। हमारे पास तो कोई मदद नहीं मिली रंगीला। बहुत हद तक मतलब सेफ्टी है, और पहले के मतलब पहले ये सब कोई भी सुविधा नहीं था, और आज के डेट में बहुत सारी सुविधा है सरकार ने कर रखी है यहाँ पे, तो हमें बहुत मतलब कम्फर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे घूमने में और बहुत मज़ा भी आ रहा है। माई सेल्फ अनिश राज। पहले से तो जो अभी हमारे को मिला है, जो अभी पहन के गए थे, वो तो बहुत बेटर है। पहले तो ऐसे चले जाते थे, लेकिन अब आज की डेट में जो जो सरकार है ये लगाई है जो भी, तो इसके मामला में अभी बहुत सुरक्षित है ये। पहले के बेटर में तो आज की डेट में बढ़िया है, पहले जो था आज उससे भी बेटर है। पहले डर बना रहता था, अभी तो ठीक है कि अभी कम से कम जैकेट तो है कि कम से कम आदमी थोड़ा सा उसमें महसूस कर रहा है कि हाँ हमारे को कुछ सिक्योरिटी हमारे पास है। ब्रजेश कुमार सिंह,